हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए 3 न्यू MIUI 13 थीम्स लेकर आ गया हूं। और हाँ, क्योंकि ये MIUI 13 थीम्स हैं तो इनमें कंट्रोल सेंटर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तीनों के तीनों थीम्स यहां पर बहुत ही ब्यूटीफुल देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें आप किसी भी पोको, रेडमी और Xiaomi डिवाइसेस में ट्राई कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू इट। तो ये हमारा फर्स्ट थीम, आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक ब्यूटीफुल वॉलपेपर देखने को मिलता है। होम स्क्रीन यहाँ पर मिनिमल लुक के साथ आता है और आइकॉन्स आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ इस टाइप के देखने को मिल जाते हैं, स्क्वायर शेप में। और यहाँ पर जो क्लॉक विजेट है वो भी एक मिनिमल लुक के साथ आता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का एनिमेशन देखने को मिल जाता है यहाँ पर क्लॉक विजेट में। देन बात करें यहाँ पर कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल यहाँ पर लगता है। क्विक टॉगल्स यहाँ पर सर्कुलर शेप में देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। देन बात करें यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर जो क्लियर बटन है वो भी चेंज हुआ है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो सेटिंग्स का बैकग्राउंड आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सिंपल व्हाइट बैकग्राउंड देखने को मिलता है, बट यहाँ पर जो आइकॉन्स है वो चेंज हुए हैं। देन ये जो थीम है ये डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है, तो आप देख सकते हो डार्क मोड में थीम कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। और जो सेटिंग्स का बैकग्राउंड है वो कुछ इस टाइप का लगता है डार्क मोड में। और स्टेटस बार की बात करें तो आप देख सकते हो फर्स्ट थीम में यहाँ पर जो आइकॉन्स हैं वो चेंज हुए हैं स्टेटस बार में। देन बात करें लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम वॉलपेपर है। और यहाँ पर जो क्लॉक विजेट है वो सिंपल सी देखने को मिलती है। और अगर हम यहाँ पर पुल करते हैं तो यहाँ पर हम क्लॉक विजेट को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पसंद के क्लॉक विजेट को चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप डार्क मोड में स्विच कर सकते हो नोटिफिकेशंस को, और साथ में यहाँ पर जो नोटिफिकेशंस है आप उन्हें कस्टमाइज भी कर सकते हो। यहाँ पर ब्लर इफेक्ट वगैरह दे सकते हो। तो कुछ इस टाइप का लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है फर्स्ट थीम में। तो थीम का नाम है सोल M14 बाय डिजाइनर यूनिस और इसकी साइज है 74.4 MB। आप इसे थीम स्टोर में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। एक बहुत ही ब्यूटीफुल थीम है। अब आते हैं हमारे सेकंड थीम पे, जो कि कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पर एक डिजर्ट वॉलपेपर देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और आइकॉन्स आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। और जो क्लॉक विजेट है वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। देन बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक प्रीमियम डिजाइन कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। यहाँ पर बहुत कुछ चेंज हुआ है। यहाँ पर जो क्विक टॉगल्स हैं वो ग्रेडियंट डिजाइन में देखने को मिलते हैं सर्कुलर शेप में। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर जो मोबाइल डेटा का टॉगल है वो भी एक न्यू डिजाइन में देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन बात करें नोटिफिकेशन पैनल की, तो आप देख सकते हो नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर जो क्लियर बटन है वो चेंज हुआ है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो सेटिंग्स का बैकग्राउंड यहाँ पर सिंपल सी देखने को मिलती है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बट यहाँ पर जो आइकॉन्स हैं वो चेंज हुए हैं। और डार्क मोड की बात करें तो ये थीम डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है, जो कि कुछ इस टाइप का लगता है। और स्टेटस बार की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेटस बार में जो बैटरी का आइकॉन है वो चेंज हुआ है। देन बात करें लॉक स्क्रीन की, तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो यहाँ पर सिंपल सी देखने को मिलती है, ज़्यादा कुछ फैंसी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर सेम वॉलपेपर है। तो थीम का नाम है डिजर्ट V13 बाय डिजाइनर रेगिनो और इसकी साइज है ओनली 5.7 MB। ये भी आपको थीम स्टोर पर मिल जाएगा। अब आते हैं हमारे लास्ट थीम पे, जो कि है कोलिना V13 बाय डिजाइनर रेगिनो और इसकी साइज है 15.6 MB। आप इसे थीम स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। होम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर एक डार्क वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल है। और यहाँ पर जो आइकॉन्स हैं आप देख सकते हो कुछ इस टाइप के यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। आइकॉन्स यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। और होम स्क्रीन में जो क्लॉक विजेट है ये भी एक कलरफुल लुक के साथ आता है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। देन कंट्रोल सेंटर की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पर बैकग्राउंड में सेम वॉलपेपर देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो क्विक टॉगल्स हैं आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट डिजाइन में आते हैं, जो कि काफ़ी कूल लगते हैं।
देन बात करें नोटिफिकेशन पैनल की, तो आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो नोटिफिकेशंस भी ट्रांसपेरेंट डिजाइन के साथ आते हैं और यहाँ पर ये बटन भी चेंज हुआ है। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर सेटिंग्स के अंदर, तो आप देख सकते हो यहाँ पर भी सेम बैकग्राउंड देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। और हाँ, ये थीम डार्क मोड को भी सपोर्ट करता है। यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलता डार्क मोड में, बट यहाँ पर जो सेटिंग्स का बैकग्राउंड है वो रिमूव होके यहाँ पर डार्क हो चुका है डार्क मोड में। देन अगर हम जाते हैं यहाँ पर लॉक स्क्रीन पे, तो लॉक स्क्रीन आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का यहाँ पर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर एक डायनेमिक लॉक स्क्रीन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का एक कलरफुल एनिमेशन देखने को मिलता है जो कि काफ़ी कूल लगता है। तो ये थे 3 MIUI 13 थीम्स पोको, रेडमी और Xiaomi डिवाइसेस के लिए। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग। दिस इज अनसुमान साइनिंग आउट।